हेलो दोस्तों, अगर आपका कोई ऑफिस है, कोई कैंटीन है, या फिर आप किसी स्कूल या कॉलेज को रन करते हो, या फिर दोस्तों कहीं भी आप हो, जैसे जहाँ पर आपको 2 से 3 स्टाफ या 4 स्टाफ की भी ज़रूरत पड़ती हो, या फिर आपके अंडर में कोई स्टाफ है, या फिर आप कहीं काम करते हो, दोस्तों अगर आप कोई बिजनेस आइडिया भी ढूंढ रहे हो ना, तो आज का ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको सबसे बेस्ट टी एंड कॉफ़ी मशीन के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों मैं आपको मशीन के सारे फीचर्स बताऊंगा, मैं आपको मशीन लाइव यूज़ करके बताऊंगा कि उसको यूज़ करना कितना आसान होता है, उसके अंदर क्या क्या मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, क्या क्या रॉ मटेरियल लगता है चाय या कॉफ़ी बनाने के लिए, आप जो चाय या कॉफ़ी उस मशीन से बनाओगे उसका टेस्ट कैसा होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों ये मशीन से आपको कई जगहों पर काम आ सकती है, तो आप एक बार मशीन को देखिए और फिर उसके बाद में सोचिए कि आपको मशीन कैसे लगने वाली है और कहाँ लगने वाली है। क्योंकि ये मशीन दोस्तों बहुत ही कम रेट में आपको आज प्रोवाइड होने वाली है, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की। और उसी के साथ साथ में ये मशीन के साथ में अगर आप कहीं पर भी एक छोटा सा स्टॉल लगा करके भी बिजनेस करना चाहते हैं तो भी आप चाय कॉफ़ी का बिजनेस भी कर सकते हैं। तो मेरी बस आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस मशीन को जानना चाहते हैं और आप देखना चाहते हैं कि ऑटोमेटिक चाय कॉफ़ी बन करके कैसे आप बहुत ही कम कीमत में सर्व कर सकते हैं, तो ये वीडियो में आखिर तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा टी कॉफी मशीन है। ये टी कॉफी मशीन के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये 2000 का टी कॉफी मशीन है। आप देख सकते हैं इसका जो अंदर जो मैं दिखा रहा हूं आपको, ये 2000 वाला कॉफी मशीन है। इसमें आप टी भर सकते हैं, इसमें आप कॉफी का पाउडर रख सकते हैं जी। और ये जो है ये ऑन ऑफ की अंदर से जो मैनुअल स्विच दी गई है, ताकि आप बाहर से जो स्विच ऑन करें तो डायरेक्ट ऑन नहीं हो सकता, और जो अंदर जो पीसीबी वो डैमेज हो सकती है वो नहीं हो सकती। इसके लिए आपको जो बाहर अंदर जो है वो मैनुअल स्विच आपको दिया गया है। और अगर आपको बताऊँ तो इसमें स्टॉप का ऑप्शन है, हॉट वाटर का ऑप्शन है, हाफ टी अगर आपको चाहिए तो ये जो ऑप्शन है टी का है, और ये कॉफ़ी का ऑप्शन है। आपको अगर हाफ टी चाहिए जी, तो ये हाफ प्रेस करना है। हाँ, हाफ का बटन जो है वो प्रेस करना है और फिर आपको टी प्रेस करना है तो हाफ टी आएगी। और अगर आपको फुल टी चाहिए तो ओनली आपको टी या ओनली कॉफ़ी आपको प्रेस करना है तो अच्छा, फुल कॉफ़ी या टी आ जाएगी। सर एक बार आप निकाल करके बताइए। हाँ सर, इसको यहाँ बीच में ऐसे रखना है जी, और ये हाफ का बटन प्रेस करना है और उसके बाद टी का बटन प्रेस करना है। तो अभी जो है ये मशीन में से हाफ टी ही निकलेगी। हाँ, हाफ टी निकलेगी। दोस्तों ये आप देख सकते हो, ये मशीन से निकाली हुई चाय है, और आपको कैमरे में समझ भी नहीं आ रहा होगा लेकिन इसकी खुशबू जो है बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। और ये हाफ अभी इसके अंदर से निकली है। और सर इसी तरीके से फुल एक बार आप बताइए किस तरीके से निकलता है। ये देखिए, ये जो मैंने हाफ बटन प्रेस नहीं किया, डायरेक्ट टी का बटन प्रेस किया, तो ये अभी फुल टी निकल गई है। ये आप देख सकते हैं हाफ और फुल। उसी तरह कॉफी का भी इसी तरह वर्क करता है। अच्छा। ये आप हाफ और फिर कॉफी प्रेस करोगे तो हाफ कॉफी निकलेगी, और आप डायरेक्ट जो कॉफी का डायरेक्ट बटन प्रेस करोगे जी तो कॉफी निकलेगी। अगर आपको सिर्फ हॉट वाटर चाहिए तो हॉट वाटर प्रेस करोगे तो हॉट वाटर आएगा जी। और इसमें भी अलग अलग तरह, अगर आपको हाफ है मतलब ये आप कप की साइज देखिए। हाँ, अगर कभी कभी कप छोटे होते जी तो हाफ टी अगर आप भरोगे तो बाहर निकल जाएगी। हाँ, चाय या कॉफी जी। तो इसमें सेटिंग आता है ये स्टॉप इसको का। हाँ, स्टॉप का जो बटन है वो आपको प्रेस करके रखना है। देखिए यहाँ प्रीमिक्स वन। हाँ, प्रीमिक्स वन मतलब कॉफी के लिए है। हाँ, फिर वापस स्टॉप मतलब ये जो
वोटर वन आया है जी, वो कॉफी का है। अच्छा। उसका कितना आपको वोटर सेट करना है, अभी आप प्रेस करोगे तो प्रीमिक्स टू आया है। हाँ। वो टी के लिए है जी, जी जी जो टी का जो पाउडर आता है वो आपको कितना सेट करना है। हाँ। उसका अगर आपको ज्यादा करना है तो ये कॉफी से प्लस होगा। हाँ? और टी से माइनस होगा। अच्छा। देखिए ये अभी मैं कॉफी प्रेस कर रहा हूँ, देखिए ये 73 74 75 और आपने 75 कर दिया 3.75। हाँ। अगर आपको सेव करना है तो हाफ का बटन प्रेस करना है तो सेविंग मोड हो गया। राइट, ऐसे राइट, भी राइट। आपको वाटर का अगर सेव करना है तो आपको देखिए ये इससे प्लस हो रहा है। देखिए आप कॉफी का बटन प्रेस कर रहा हूँ प्लस हो रहा है, अभी टी का बटन प्रेस करूँगा तो माइनस होगा। माइनस होगा, राइट, राइट। अगर आपको सेव कर देना है तो आपका बटन प्रेस करना है, ये डेटा सेव हो गया। उसी तरह आप सब तरह के, ये देखो हाफ बेवरेज है, ये मैं बता रहा हूँ कि अब अगर कप छोटा रहेगा जी तो ये सेवन, अब जो हाफ है वो 57% है। अगर आपको इसको कम करना है जी, कम करना पड़ेगा आपको, इसके लिए ये जो टी है इस माइनस हो रहा है, देखिए आप देख सकते हैं। हाँ 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 हाँ, अभी ये मैं 36% पे सेव कर रहा हूँ जी, ये सेव हो गया है। हाँ। पर अभी मैं आपको पहले कितना हाफ निकला था और अभी कितना हाफ निकलेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये एक्सिट हो गया प्रोग्राम जी, अभी हम अपने जो नॉर्मल मोड है उसमें आ गए हम जी। ये देखिए मैंने, हाँ तो अभी मैं हाफ जो आपने चेंज किया था 57% से 36% तक मैंने कम किया है जी। अभी आपको ये मैंने हाफ का बटन प्रेस किया। हाँ। अभी टी, आप देख सकते हैं ये अभी अभी का हाफ है। हाँ। और ये पहले का हाफ है जी, ना टोटल डिफरेंस है। सेटिंग अगर आप करोगे हाँ, उतना आपको डिफरेंस हर में हाफ देखने के लिए, हाफ टी कॉफी में, फुल टी कॉफी में, टेम्परेचर है, हर तरह का आप जो भी आपका सेटिंग करना है हर तरह का सेटिंग इसमें हो जाएगा। जो मशीन की चाय होती है उसके अंदर लोगों को टेस्ट की बहुत दिक्कत आती है। हाँ। उसका टेस्ट कैसा रहेगा? इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया रहेगा और इसका प्रीमिक्स अलग अलग टाइप का आता है जी, मतलब तुलसी वाला, अदरक वाला, जिस तरह का आप उसका जो प्रीमिक्स लोगे उसी तरह का आपको उसका टेस्ट आएगा। सर टेस्ट तो वाकई काफी बढ़िया है इसका, और आप जैसा आपको टेस्ट चाहिए आप वैसा प्रीमिक्स इस्तेमाल करके हाँ, टेस्ट बना सकते हो। राइट राइट, मतलब इसके अंदर कैसा है कि आपको कुछ बनाना या फिर इसके अंदर आपको पकाना कुछ नहीं होता है, आपको जैसा टेस्ट चाहिए आप वैसा प्रीमिक्स इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप बाजार में से सूप का पाउडर आता है जी और दूसरी तरह का जो पाउडर आता है वो अगर इसमें डालोगे तो आप सूप भी निकाल सकते हैं। अगर आप पानीपुरी का पाउडर डाले तो पानीपुरी का पानी भी इसमें निकल सकता है। अच्छा। हर तरह का मतलब जो भी टाइप का पाउडर आता है, प्रीमिक्स आता है, उससे आप कुछ भी लिक्विड निकाल सकते हो। ये डिस्पेंसर की तरह काम करता है हॉट में। हाँ, हॉट में कुछ भी आपको बनाना है तो। और सर एक बात, ये जैसे कॉफी टी मशीन है तो ये मशीन का कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है ये आप बताइए। ये तो पर्सनल शॉप है जी, मार्केट है, फिर रेलवे स्टेशन है, बस स्टेशन है, कहीं भी आप रोड के साइड में भी रख के बिजनेस कर सकते हैं आप, और गांव है, सिटी है, मॉल है, कहीं पर भी आप रख के इसको, इसके आपको इतना स्पेस चाहिए वो थोड़ा ज़्यादा हो तो आप कहीं पर भी आप मतलब थोड़े भी स्पेस में आप कर सकते हो। सर राइट, और सर ये जो चाय का बिजनेस है आपको क्या लगता है अगर कोई ये बिजनेस को करता है एज अ साइड बिजनेस भी या फिर एक छोटी जगह से भी तो कितना कमा सकता है? ये मानो एक जो उसका 1 kg का जो उसका पैकेट आता है जी, उसमें आप कम से कम 220 से 230 ग्लास आप निकाल सकते हो। अच्छा। और वो जो आपको ग्लास है वो आप 10 रुपया 15 रुपया जी आप बेच सकते हो मार्केट में, यानी कि मुनाफा इसमें अच्छा है। हाँ। और ज्यादा करके अगर आपको पर्सनल यूज के लिए चाहिए तो भी आप मशीन ले हाँ, सकते मतलब हो इंडिया में, पर्सनल ऑफिस है, पर्सनल शॉप है, या कोई किसी का कुछ बिजनेस है, फैक्ट्री है, कंपनी है, उसमें भी आप यूज़ करने के लिए अपने कंपनी में अपने एम्प्लॉय के लिए, जो बाहर से चाय कैसी बनती है वो तो अपने को पता नहीं पता होता, नहीं होता है, तो अपना अपने ऑफिस में, फैक्ट्री में, कंपनी में आप ये जो रख सकते हैं टी कॉफी मशीन जी, और अपनी प्रीमिक्स ला के आप फ्रेश जो है वो पी सकते हैं। और दोस्तों फ्रेश तो आपको मिलेगा ही, साथ में रेट भी मशीन का बहुत कम है, तो अगर आपको रेट जानना है या फिर इस मशीन के बारे में और कुछ जानना है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे नूतन सोडा पे आप कांटेक्ट कीजिए, कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सअप कीजिए, तो जो जावेद भाई कंपनी है वहाँ पे आपका कांटेक्ट होगा सीधा,
और उनसे आप ये मशीन के बारे में जान सकते हो, और ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी अगर आपको डिलीवरी चाहिए तो आप मंगा सकते हो। सर ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी भेज देते हैं आप मशीन? हाँ, ऑल ओवर इंडिया में और बाहर भी हमारा एक्सपोर्ट होता है। अच्छा। जो भी सब मशीन है, इसके लिए आपको जो हमारा टोकन अमाउंट है वो आपको देना पड़ता है। वो जो टोकन अमाउंट है वो 20% 30% जो मशीन की प्राइस होती है उसका 20-30% होता है, वो आपको पहले जमा करवाना पड़ता है कंपनी में, फिर यहाँ से हम ट्रांसपोर्ट में भेजेंगे, आपके वहाँ आपके घर पर ट्रांसपोर्ट आ जाएगा, फिर आपको बाकी का पेमेंट करना है। दोस्तों आपको थोड़ा सा एडवांस देंगे, बाकी का पूरा पेमेंट आप सीओडी कर सकते हो। तो अगर आपको ये मशीन चाहिए तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ में, एक नई मशीनरी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।